तो पिछले वीडियो के रिस्पांस को देखते हुए ये हमारे जिम्मेदारी बन चुकी थी कि नया वीडियो बनाना ही पड़ेगा जिसपे आपको और मदद की जा सके। ठीक है, तो बिना किसी आपके समय को गवाए हुए सीधा वीडियो पे उतरते हैं। आ जाइए। तो बेसिकली हमने क्या किया है कि आपके मॉक्स के मार्क्स को जो है ना, हमने तीन सेक्शन में बांट दिया बेसिकली, है ना, कि कैसे किसके मार्क्स आ रहे उसके। इसमें पहला सेक्शन है 0 से 100, फिर 100 से 200, फिर 200 से 300, फिर आता है 300। ठीक है, तब आपको क्या करना है कि उस हिसाब से सबका अलग अलग स्ट्रैटेजी होगा, सबका अलग अलग काम होगा, तो उस हिसाब से आपको बताया जाएगा। जैसे आप मान लेते हैं कि 0 से 100 के बीच आपका वो आ रहा है, मार्क्स आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स में, है ना, हर सब्जेक्ट में आपको काम करने की जरूरत है, इसलिए आपके इतने नंबर कम आ रहे हैं। ठीक है, उस केस में क्या करना है कि आपको मैटर करता ही है कि आपने कितना पढ़ाई करा है अभी तक। ठीक है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है, बिल्कुल सो रहे थे या कुछ भी था, जो कोई कुछ कर नहीं सकते उसमें, तो आपको क्या करना है कि दो अटेम्प्ट होते हैं, तो आपको सेकेंड अटेम्प्ट को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए लगातार मेहनत करनी है एकदम, और सेकेंड अटेम्प्ट में फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके थोड़े मोटे नंबर कम भी रह जाते हैं ना, तो बिट्स के कैंपस में आपको अगर एमएससी की डिग्री मिल जाती है, ठीक है, एमएससी वालों की, तो उसके कट ऑफ थोड़े कम जाते हैं, तो कट ऑफ कम जाते हैं उसमें क्या फायदा होता है कि अगर आपकी उसमें एडमिशन हो गया, आपका बिट्स में एडमिशन हो गया, उसके बाद यहाँ आके आप पहले सेमेस्टर में, पहले और दूसरे सेमेस्टर में मेहनत अगर कर दोगे, तो आपको सीएस की डिग्री भी साथ में मिल जाएगी, तो डुअल डिग्री का फायदा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा चीज़ क्या है कि दूसरा केस ये हो सकता है कि आपको आता सब चीज़ है, आप सब आपने पढ़ाई करी है, बट आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस जो है बहुत जरूरी चीज़ होती है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, उस केस में आपको दिक्कत आ रही है, तो उसका यही निदान है कि आप अपनी प्रैक्टिस जो है क्वेश्चन की ना, वो बढ़ा दो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन बढ़ाओ, और बिल्कुल फ्री माइंड से जो है पहला अटेम्प्ट दो एकदम, और बिना ऐसी कोई देरी मत करो, 10 चीज़ जो दिमाग में आ रही है कि अरे होगा नहीं होगा, वो सब सोच के बाहर रखो अपने, और सीधा मेहनत पे ध्यान दो एकदम, तो उस केस में आपका हो सकता है, क्योंकि बिटसेट में ज़्यादा डेप्थ नॉलेज चाहिए नहीं होता है। अगर आपको चीज़ें आती थी, बस वही ना कि जो जामवंत वाला चीज़ था कि हनुमान जी अपना शक्ति भूल गए थे, जामवंत ने याद दिला दिया तो वो लंका विजय करके आ गए, वही स्थिति आपके साथ है। अगर आप अपने आप को पहचान लोगे तो आप अच्छा कर लोगे। ठीक है, फिर आते हैं केस जो है 100 से 200 के बीच में। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा लोग होंगे इसी रेंज में, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मेहनत करी बट नंबर नहीं आ पा रहे, बट ठीक है, उनके पास जानकारी है। उस किस में कि आपको क्या दिक्कत है, ज्यादातर चांसेस ये है ना कि आपके दो सब्जेक्ट जो होंगे ना वो वीक होंगे, हो सकता है। अब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो मेजर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पीसीएम, बाकी दो चीजें उनकी बात जो है बाद में की जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है आपके दो मेजर सब्जेक्ट जो है ना वो वीक होंगे, उस केस में क्या करना है आपको, उन दो सब्जेक्ट्स को पहचानने हैं, उनके जो वीक टॉपिक्स है उनको सही करना है आपको, ताकि वो जो चीज़ें हैं ना आपकी वो सही हो जाए। ठीक है, और वो टॉपिक को है ना आप उसी दिन पढ़ो, जैसे कि आपने आज मॉक दिया, आपकी ये टॉपिक खराब है, आपने इवैल्यूएशन कर लिया, ठीक है, आप उसी दिन उसको निपटाओ कि भाई आज तो तेरे को निपटा के रहूंगा, क्योंकि कल के कल मेरे को ये चीज़ का दिमाग खराब नहीं चाहिए, मेरे को अगला टॉपिक फिर सही करना है। ठीक है, बस बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट का चांस है। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रैक्टिस, ठीक है ना, प्रैक्टिस सबको चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा प्रैक्टिस करे, चाहे 100 से 200 वालों को प्रैक्टिस नहीं चाहिए, सबको प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको स्कोर बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने सबने सुना होगा, बट ये बिल्कुल ही सच बात है एकदम, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना मॉक दोगे ना, उतना फायदा होगा आपको। ठीक है, इसलिए एकदम लगे रहो, छोड़ना नहीं है। उसके बाद आते हैं जो और भी चीज़ें हैं, जैसे कि 200 से 300 का जो रेंज है, ठीक है, ये काफ़ी वैसे लोग होते हैं जिन्होंने मेहनत खूब करी, बस किस्मत साथ नहीं दे रही, वैसा अपने आप को समझते हैं कि किस्मत ही खराब है, वरना मेरा तैयारी तो काफ़ी अच्छा था, दिन भर किस्मत को दोस्त रहता है। तो ये किस्मत वगैरह बहुत रेयर चीज़ है, बहुत कम चीज़ है, ज़्यादातर जो मेहनत है ना वो मतलब ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, जो ज़्यादा पोर्शन है जिंदगी का, वो मेहनत पे आता है। ठीक है ना, और किस्मत भी मेहनत करने वालों का ही साथ देती है। ठीक है, तो आपने मेहनत करी है तो किस्मत आपके साथ होगी, तो किस्मत की चिंता छोड़ के आप ये ध्यान दो कि आपका कोई एक सब्जेक्ट जो है ना वो आपको वो तंग कर रहा है। ठीक है, तो आप उस एक सब्जेक्ट को पहचानो और उसको दूर करो एकदम, ताकि आपको 300 के ऊपर वो ले जाए, एकदम बहुत ऊपर ले जाएगा आपको 300 के ऊपर, अगर आपने वो अपनी वीकनेस पहचान ली और उस वीकनेस को दूर कर लिया। ठीक है, तो इस वन सब्जेक्ट को जो वीकनेस है इसको इम्प्रूव करो और इसको सही करो, बस काफ़ी अच्छा हो जाएगा फिर आपका। और जो ऐसा आपको लगे कि नहीं नहीं मेरे पास बहुत ज़्यादा वीकनेस है, ठीक है, मतलब कि एक दो टॉपिक्स रह जाते हैं ना, 50 टॉपिक्स हैं, उनमें से अगर मान लीजिए आपके 48 आते हैं, दो बच्चे हुए, ठीक है ना, तो एक काम करो, आप उस वीक टॉपिक को छोड़ो और बाकी जो आपके 48 टॉपिक जो सबसे स्ट्रांग है ना, उनके सवाल गलत नहीं होने चाहिए, इसका ध्यान रखें। आप पहला अटेम्प्ट जो है ना पूरा जोर लगा के दो, ठीक है, हो सकता है आपके इसी वजह यही करने से ना आपके 300 के ऊपर नंबर आ जाए, इतना ही करने मात्र से आपके 300 के ऊपर नंबर आ सकते हैं, आपको 100% सिलेबस करने की भी जरूरत नहीं होगी, और जो रहा सहा कसर है वो आप सेकेंड अटेम्प्ट में पूरा कर ही सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास इसको एक दो चीज़ें छूट गई है, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल मन लगा के बिल्कुल ऐसा समझो कि फुल सिलेबस हो चुका है आपका, और आप पूरा पेपर देने की ट्राई करो। ठीक है,
कुछ छोड़ो मत, बिल्कुल एकदम वो मत करो, ठीक है? थोड़ा मिट गया है, पता नहीं कैसे, रुक जाइए। हाँ, अब आते हैं ऊपर 300 वालों के लिए, ठीक है, जो कि 300 से ऊपर ला रहे हैं, ठीक है, तो काफी अच्छा कॉन्फिडेंस हाई होगा, जो काफी अच्छी बात है अगर आप 300 के ऊपर बिट सेट में ला रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने बहुत मेहनत करी, आपका मेहनत सार्थक जगह पे था, आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, तो आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, जितना ज्यादा मैक्सिमाइज हो सके उतना ज्यादा मैक्सिमाइज आपको इस चीज को कर लेना है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमाइज करने से ही जो है आपको सीएसई मिल पाएगी और अच्छी ऊपर की ब्रांचेस मिल पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आप ये ट्राई करो, और ये आईपैड यार, हाँ, और आप ट्राई करो कि जो है ना बोनस क्वेश्चंस वैसे सबको ट्राई करना चाहिए, लेकिन आप जो 300 के ऊपर ला रहे हो उनको तो बिल्कुल ही आसान है कि आप 300 ऊपर ला रहे हो, तो आपको आपकी तैयारी काफी अच्छी हो चुकी है, तो आप क्या करो, बोनस अटेम्प्ट करने की कोशिश जारी रखो एकदम, ठीक है। और एक जो है सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना, एक ग्राफ होता है, ठीक है, जो मैं सारे स्टूडेंट्स एग्री करेंगे इस चीज से कि ये जो ग्राफ है ना बिल्कुल सही है। क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जनरली जिसके पहले मेंस वगैरह में आप समझ लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, मेंस में 60% से 90% जाना काफ़ी आसान होता है, ठीक है, लेकिन 90 से 95 जाना थोड़ा मुश्किल होता है, 95 से 97 जाना थोड़ा और मुश्किल होता है, और बहुत अगर 98 से 99 जाना चाहते हैं उनके लिए और मुश्किल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ना आप देख सकते हैं ये ग्राफ कि हार्डवर्क तो आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जैसे आपके मार्क्स जो इंप्रूव होते हैं स्टार्टिंग में ना, बाद में बहुत कम इंप्रूव होने लगता है, यहाँ सैचुरेशन पॉइंट आने लगता है, तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप कम हो जाता है ना, उस चक्कर में आपको बहुत मेहनत लगानी पड़ती है कम इम्प्रूव करने के लिए। तो जो लोग के नंबर बहुत कम आ रहे हैं ना, जो लोग के मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं, उनको यहां से यहां जाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस अगर वो निरंतरता से परसिवियरेंस दिखाए अगर अपना, तो आराम से इस रेंज में जा सकते हैं जहां पे आपको जो है अच्छी ब्रांच मिल सकती है, रिस्पेक्टेबल ब्रांच मिल सकती है, एमएससी की डिग्री मिल सकती है, जहां पे आप पहले सेमेस्टर दूसरे सेमेस्टर मेहनत कर लोगे कॉलेज में आके, जो कि काफी आसान सा होता है, उस केस में आपको डुअल डिग्री के साथ सीएसई ईसी इलेक्ट्रिकल वगैरह मिल सकती है, तो वो चीज है, लेकिन उसके लिए आपको आज से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बहुत शून्य पे सवार हैं तब भी आप आगे जा सकते हैं, बिटसेट में यही फायदा होता है, बिना किसी प्रेशर के आप एग्जाम दोगे और आप अच्छा करोगे, ठीक है। अब जो आते हैं, एक मैंने अलग से एक स्ट्रैटेजी बना रखी है बोनस के लिए, ठीक है, क्योंकि बिटसेट में बोनस क्वेश्चंस का प्रावधान जो है ना काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है। बोनस क्वेश्चन बेसिकली हर एग्जाम में नहीं मिलता, बिटसेट में आपको ये फायदा है कि आपको बोनस क्वेश्चन एक ऑप्शन रहता है जिससे आप सीधा मतलब इंप्रूव कर सकते हो। तो बोनस क्वेश्चन का कब अटेम्प्ट करना है आपको, जो मैंने काफी यहाँ पे एक्सपर्ट्स जो काफी अच्छा जिन्होंने बिटसेट में स्कोर किया, जो जिन्होंने बोनस फोड़ा है, उनसे बात की, उनसे पूछा, फिर मैंने स्ट्रेटजी बनाई अच्छे से कि देखिए क्या करना है, अगर आपके पास 10-15 सवाल बचे हुए हैं, ठीक है, जो कि आपसे हो नहीं रहे जो मेन क्वेश्चन थे उनमें, ठीक है, और आपके पास समय बचा 20 से 25 मिनट, तो आपको क्या है कि वो 10-15 सवाल आपको उस टाइम तो नहीं हो रहे, हो सकता है आप घर जाओगे तो आपसे हो जाएगा, बट उस टाइम आपको वो क्लिक नहीं कर रहा, ठीक है, तो अब आप ऐसे बैठे रहोगे खाली कि नहीं क्यों क्या करें, तो उस केस में जो है ना आपको क्या करना है कि आपको बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जब आपका 10-15 सवाल बचा हुआ है, 20 से 25 मिनट समय बचा हुआ है, तो आप उस केस में बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वो 10-15 सवालों को जाए कुछ भी मतलब थोड़ा आइडिया होगा ही, तो उसके हिसाब से अपने इनर इंस्टिंक्ट पे जाओ और उसको मार्क कर दो, ठीक है, हो सकता है कि कुछ सही भी हो जाए उसमें से, लेकिन क्योंकि ऐसा बोनस क्वेश्चन के लेवल कुछ अलग नहीं होता है, सबका लेवल सिमिलर ही होता है, बस वो नाम के लिए ऐसा नहीं है कि वो अचीवर सेक्शन है कि बहुत फोर बंदा दिमाग चाहिए उसमें, वो सिर्फ स्पीड अगर आपने अच्छी करी है अपनी पेपर सॉल्विंग में तो आपको बोनस मिलता है, ठीक है, तो बोनस क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल सिमिलर होता है, तो डरने की बात नहीं है पहली बात तो, और उसके बाद बोनस आप अटेंड करने जा रहे हो तो आपके फायदे क्या है, देखिए 12 सवाल रहते हैं तो आपको 36 नंबर जो है ना 36 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है, जो कि 12 सवाल एक्स्ट्रा आपके सॉल्व करोगे, मान लेते हैं 12 सवाल में से आपके 8 सवाल भी सही हो गए तो आपको 24 नंबर मिल जाएंगे, 24, समझ रहे हो, 24 नंबर बहुत ज्यादा नंबर होता है बिटसेट के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 24 नंबर का फासला बहुत ज्यादा होता है, और मान लेते हैं 15 जो आपने थोड़ा इंस्टिंक्ट पे लगाया, 15 में से अगर मान लेते हैं आपके 5 भी सही हो गए ना, अगर 5 सवाल ही 15 में से आपने सही मार दी उधर जो आप बोनस अटेम्प्ट करने के लिए तुक्का मारा था आपने, तो आपको पॉजिटिव 5 मिलेंगे, ठीक है, -10 हुआ प्लस 15 हुआ, तो आपको पॉजिटिव 5 नंबर मिला और इधर आपने 24 नंबर कमा लिया अलग, तो आपको 29 नंबर टोटल का फायदा हो रहा है बोनस अटेम्प्ट करने से, अगर आप वाइजली अटेम्प्ट करते हो बोनस, और ये कोई फिक्स नहीं है, आप कोई भी अटेम्प्ट करेगा बोनस सवाल वो इतना अच्छा फोड़ सकता है, ठीक है। और वो जो है ना मुद्दे की बात क्या है कि कोई भी एडवाइस अगर आप ले रहे हो, ठीक है ना, उसको इम्प्लीमेंट करो, अपने मॉक्स दो सब करो, और उसमें मॉक्स में जो इम्प्लीमेंट कर रहे हो ना उसके बाद जो आपके लिए हो सकता है कुछ एडवाइस काम करे कुछ नहीं करे, जो आपके लिए काम करे ना उसको कैरी करो, उसी स्ट्रेटजी पे आगे बढ़ो, उसी पे काम करो। और एक और पेज ऐड कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे वो है ना LR और इंग्लिश, ठीक है, LR और इंग्लिश ऐसी चीज है ना जो कि 300 नंबर वाले
के भी हो सकता है उतने ही लेवल के हो जितना कि 100 मार्क्स लाने वाले के लेवल के हो, ठीक है। तो 100 मार्क्स या जो भी जितने भी रेंज में हो आप, अगर आप चाहो तो इंग्लिश और एलआर में इतना मैक्सिमाइज कर सकते हो ताकि अगर आपका एक दो सब्जेक्ट वीक है ना उसका मार्क्स जो है कवर कर देगा, क्योंकि एलआर का एक सवाल सही करना इज इक्वल टू मैथ्स का एक सवाल सही करना, क्योंकि मार्क्स उतनी नहीं मिल रहे ना आपको, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है आपको, एलआर और इंग्लिश पे भी वर्क करना है ताकि जो है आपके होता है ना कि जो आपका पीसीएम कमजोर है, काफी हार्ड टॉपिक्स वगैरह हैं, उनके सवाल गलत हो रहे हैं, तो उस केस में इंग्लिश और एलआर आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। वहां पे क्या है कि बिट्स पिलानी में जो भी यहाँ पे बिटसेट में अच्छा फोड़ने वाले लोग हैं, जो भी हमारे दोस्त वगैरह है ना, वो सारे उस चैनल में एडमिन्स हैं, वो आपके जब सवालों का तुरंत जवाब देंगे, जो भी आपके रिलेटेड डाउट्स हैं, ठीक है, बिट से रिलेटेड क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, उसके सारे डाउट्स आपको क्लियर कर दिए जाएंगे वहां पे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पे 150 से ज्यादा बच्चे अभी ज्वाइन कर लिए हैं, और आपको फायदा पता है क्या होता है, आपकी कम्युनिटी बन जाती है एक तरीके से, जैसे हमारे माध्यम से आप क्या होते हो, आप बिटसेट तैयार करने वाले और भी लोगों से जो तैयारी कर रहे हैं अभी उनसे जुड़ जाओगे, उससे क्या होगा आपको फायदा कि क्या उनसे तैयार कर पाओगे, क्या पता उनको कुछ चीजें आती होंगी जो आपको नहीं आती होंगी, तो हो सकता है हमारी जरूरत ही ना पड़े, वही आपके डाउट्स क्लियर कर दे जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा फायदा होता है कि आप बहुत लोगों से मिलते हो, जुड़ते हो उस ग्रुप में, तो इसलिए आप ग्रुप में ज्वाइन कर लो और ताकि सबका भला हो सके, ठीक है, ये आपके भलाई के लिए है। और इसी के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक और दोस्तों को बताना चाहते हो बिटसेट वगैरह जो भी सीन है, तो आप जाके जल्दी से सब्सक्राइब बटन जो है ना, क्या मस्त लिख रहा हूं मैं, सब्सक्राइब कर दो एकदम मस्त, और शेयर वीडियो कर दो एकदम सारे दोस्तों तक पहुंचा दो। और इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, और ये काफी यार मतलब लोगों से मैं बात बात किया, ठीक है, उसके बाद सबसे पूछ पाछ के सबसे वो करके बिटसेट 2023 का जो स्ट्रेटजी था जो मॉक्स के लिए था वो मैंने बनाया है। अगर अभी भी आप मॉक्स नहीं दे रहे हो तो मॉक्स देना बिल्कुल शुरू कर दो, मॉक्स में मतलब कमी नहीं होनी चाहिए, सवाल ही आपको जिताएगा, सवाल करने की प्रैक्टिस ही आपको आगे बढ़ाएगी, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, जय हिंद।